Oh dear students, welcome back to our today's lecture. So आज के lecture में हम discuss करेंगे about some of the important characteristics property of superconductor. Last lecture में हमने discuss किया था about superconductor. Then we have discussed about high temperature superconductors. ठीक है, तो आज हम discuss करेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि सुपरकंडक्टर एक्सिबिट करते हैं, जिसके बेसिस पे सुपरकंडक्टर का बहुत सारे न्यू जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनमें इनका एप्लीकेशन होता है. तो जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सुपरकंडक्टर के, दी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स शो सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू आवर नॉर्मल मेटल्स विच मेक देम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. तो जो इम्पॉर्टेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी एक्सिबिट्स करते हैं सुपर कंडक्टर, ऑन दैट बेसिस दिस सुपर कंडक्टर नाउ बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट या इम्पॉर्टेंट मटेरियल फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर आर इनलिस्टेड हियर. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर का, कि द सुपर कंडक्टर्स या सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एक्सिबिट्स जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. मीन्स जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सुपर कंडक्टर कौन से मटेरियल्स को कहते हैं, ये वो मटेरियल्स हैं जिनमें आपकी जो प्रॉपर्टी है या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है वो टोटली क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं. आपके इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अगर आपका जीरो होते हैं तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगा, इनफाइनाइट होंगे. इट मींस जैसे ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होंगे वैसे आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज होंगे. अब जब आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टोटली जीरो होंगे तो कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट बढ़ जाएंगे. तो ये पहला उसका प्रॉपर्टी है. सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आवर सुपर कंडक्टर इज द मेसनर इफेक्ट. मेसनर इफेक्ट क्या है, कि मेसनर इफेक्ट आपकी एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपल्शन होना. मेसनर इफेक्ट जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का, जिसकी बेसिस पे उसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स में एप्लीकेशन में यूज होता है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स. थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज आवर ट्रांसिशन टेम्परेचर, जिसे हम टी से क्या करते हैं, टी सी से हम इसको डिनोट करते हैं. ये वो टेम्परेचर है जिसके नीचे आपका मटेरियल सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं. एंड इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बियॉन्ड क्रिटिकल टेम्परेचर योर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स विल बिहेव एज नॉर्मल मेटल्स. ये उसका थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट इज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. जिस तरह आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है उस तरह एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है. मीन्स एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तक आपका फील्ड में अगर आप किसी सुपर कंडक्टर मटेरियल्स को रखते हैं तो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तक वो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे. बियॉन्ड दैट मैग्नेटिक फील्ड आपका सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स विल एक्ट एज नॉर्मल मेटल. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज देयर पर्सिस्टेंस करंट, एंड नेक्स्ट इज जोसेफसन्स करंट, एंड द लास्ट वन इज क्रिटिकल करंट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सुपर कंडक्टर का, जिसके बेसिस पे उसका एप्लीकेशन बहुत सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स में होते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस ईच वन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन डिटेल्स. एक एक करके हम डिटेल्स में प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी. So we know the first important characteristic of a superconducting material or superconductor is its electrical resistance. We know that beyond a certain temperature, एक ऐसा temperature होगा जिसके नीचे हमारे materials का superconducting जो property material जो है superconducting property show करने लगते हैं, उस temperature को हम कहते हैं critical temperature. So यहाँ पे क्या होगा, जो ही आपका इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपकी मटेरियल का टेम्परेचर पहुंच जाएंगे, जैसे आप यहाँ से आप इसकी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद आपके सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है जीरो हो जाएंगे. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल विल बिकम जीरो.
जब ये जीरो हो जाएंगे तो यहां पे आपका कंडक्टिविटी क्या होगा फिर? कंडक्टिविटी विल बिकम इनफाइनाइट, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगे। जब कंडक्टिविटी इंक्रीज होंगे तो उसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर या सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे जब आप उस मटेरियल की टेम्परेचर को लाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो सुपर कंडक्टिविटी शो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का, कि इसका रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांसिशन टेम्परेचर। सो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज जीरो बिलो ए ट्रांसिशन टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है इसके नीचे इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस विल बिकम जीरो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज नोन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए सुपर कंडक्टर। और यही प्रॉपर्टी की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस जीरो होना एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कि इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर मटेरियल को सुपर कंडक्टर के कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो हम उसको सुपर कंडक्टर नहीं बोल सकते हैं। एंड देन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए नॉर्मल कंडक्टिंग मेटल एंड ए सुपर कंडक्टिंग मेटल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज शोन इज दिस फिगर। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो ग्रीन ये जो पर्पल लाइन है दिस इज फॉर नॉर्मल मेटल। ये नॉर्मल मेटल यूजुअली जब आप उसके टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसका भी क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन एट जीरो केल्विन अगर आप जीरो टेम्परेचर पर लाते हैं फिर भी इसमें सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रिमेन, अभी भी इनमें थोड़ा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है ड्यू टू जो मटेरियल के इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से। लेकिन जब आप सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की बात करते हैं, सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, तो ये वो मटेरियल है कि जब आप उनके टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इसमें भी रेजिस्टेंस डिक्रीज होते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा होगा जहां पे इसकी रेजिस्टेंस एब्रप्टली या सडनली डिक्रीज होकर जीरो बन जाएंगे, फिर ये अपना कंडक्टिविटी इनफाइनाइट शो करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज आवर मर्करी। मर्करी आपकी 4 केल्विन पे क्या करता है, सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है। मीन्स दिस टीसी फॉर मर्करी इज 4 केल्विन। 4 केल्विन पे जब आप मर्करी को लाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विल बिकम जीरो, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्ट मटेरियल का। नेक्स्ट इज आवर मेसनर इफेक्ट। लेट्स सी व्हाट इज मेसनर इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेसनर इफेक्ट क्या चीज है? तो सिंपली मेसनर इफेक्ट को हम कह सकते हैं इट इज द एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय ए सुपर कंडक्टर। एक सुपर कंडक्टर जब आप मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं तो वो क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स को रिपेल कर देते हैं, एक्सपल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है वो किस मटेरियल का होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल भी क्या करते हैं, आपकी मैग्नेटिक लाइन्स को रिपेल करते हैं। सो वी कैन से दैट एट लो टेम्परेचर आवर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल विल बिकम डायमैग्नेटिक। ये जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है लो टेम्परेचर पे जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे इसका टेम्परेचर लाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। आगे देखेंगे हम इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। नाउ फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज आवर मेसनर इफेक्ट। व्हेन ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स ऑफ डेंसिटी बी। ये जो मैग्नेटिक लेंस का जो फ्लक्स है या स्ट्रेंथ है वो हम बी रखते हैं। तो आप किसी भी, ये जो ब्लू है ये हमारा क्या है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स है। ठीक है, सिंपल है। तो क्या होगा जब आप इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होगा, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पेनेट्रेट थ्रू द मटेरियल इज शोन बिलो। जब आप नॉर्मल एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो यूजुअली क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है वो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर मटेरियल को क्रॉस करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, दैट द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल शुड बी ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर टी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए देन टी सी। ये कंडीशन है तो आपकी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से क्या करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगे। बट
If you cool the temperature of this sample superconducting material below its critical transaction temperature, means जब आप इस material की temperature को कम करेंगे और उसको कम करके आपकी critical TC से क्या लाएंगे, नीचे लाएंगे, अब क्या होगा, the magnetic lines of force now ejected out, ये बाहर धकेल देंगे, ठीक है। पहले क्या हुआ था, जब आपका टेम्परेचर TC से ज्यादा था तो ये इस मटेरियल से क्रॉस कर रहे थे मैग्नेटिक लाइंस, जब आप इस सैंपल के टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाएंगे तो ये मैग्नेटिक लाइंस को बाहर फेंकेंगे, इसमें क्रॉस होने नहीं देंगे, ठीक है। जब क्रॉस होने नहीं देंगे तो ये क्या वजह है, क्योंकि हमें पता है कि जब आप किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर TC से बिलो लाते हैं तो दिस सैंपल विल एक्ट ए सुपर कंडक्टर, किसकी तरह बिहेव करते हैं, सुपर कंडक्टर मीन्स नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल विल बिकम जीरो। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ मैग्नेटिक लाइंस को क्या कर रहे हैं, इजेक्ट कर रहे हैं। वी नो दैट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव द टेंडेंसी टू एक्सपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और यही प्रॉपर्टी आपकी क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल का भी है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, पार होने नहीं देते हैं, यहाँ पे क्रॉस होने नहीं देते हैं। Now since the superconductor also expel the magnetic lines of force, it behaves as a perfect diamagnetic, जो कि हमने last जब हमने type 1 और type 2 superconductor के बारे में discuss किया था तो हमने वहाँ पर भी देखा था कि type 1 जो है perfectly diamagnetic होते हैं। Diamagnetic means ये magnetic lines को expel करेंगे, इसी behavior को कि magnetic lines को जब इसकी temperature हम critical temperature से नीचे लाते हैं तो ये magnetic lines को क्या कर देते हैं, expel कर देते हैं, इसी phenomena को हम कहते हैं Meissner effect. This behavior is observed by Meissner and hence call it Meissner effect. First time इसको Meissner ने observe behavior को observe किया और इसीलिए इस जो phenomenon का नाम जो है Meissner effect रखा गया है, ठीक है। तो होगा क्या, when a superconducting material is placed in a magnetic field under the condition of T less than equal to TC, जब आपका temperature critical temperature से क्या होंगे, नीचे होंगे, and also your critical magnetic field should be less than the applied magnetic field, the lines are excluded from the material, ye jo magnetic lines hai wo material se exclude ho jate hain, alag ho jate hain, thus the material exhibit perfect diamagnetism, this phenomena is called Meissner effect. To is pe aake kya kar dete hain, aapke material perfectly diamagnetism show karte hain isse, aur is effect ko jo hai, is pure process ko hum Meissner effect kehte hain. Now let's see how our material become diamagnetic after the temperature brings below TC. कैसे आपका material diamagnetic बन जाता है, हम इसको यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि जो हमारा magnetic inductions है, ठीक है, या flux density जो है, this B is equal to mu naught into H plus I. H is the strength of the field, ठीक है, ये strength है, क्या है, strength of applied field, mu naught is our permeability of vacuum ka perm, and I is the intensity of magnetization. कभी कभी आपको ये m से भी क्या होगा represent करेंगे। तो हमें पता है कि magnetic induction is equal to permeability of the vacuum into strength of the applied magnetic plus magnetization, ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है। अब क्या होगा कि जब आपका B जीरो होगा, ठीक है, जब आपका मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो होगा तो ये ओवरऑल जो इक्वेशन है वो क्या बनेंगे, B इज इक्वल टू जीरो, देन वी गेट जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, सिंस वी नो दैट दिस म्यू इज नेवर गोना बी equal to zero, ये कभी भी not equal to zero रहता है, ठीक है, ये कभी भी zero नहीं होगा, not zero at all, इस mu not का value कभी भी zero नहीं होगा, ठीक है। अब ये zero नहीं होगा तो ये यहां से exclude हो जाएंगे, हम लिख सकते हैं कि this H plus I is equal to zero, ठीक है। जब आप H plus I is equal to, इसको rearrange करेंगे, H को इस साइड लाएंगे तो minus H is equal to I, और we can say I divided by H is equal to minus I, और ये जो I divided by H है, this is nothing but it is our susceptibility, magnetic
ससेप्टेबिलिटी, ये काई क्या है? दिस आई अपॉन एच इज नथिंग, इज जस्ट आवर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी. मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अंडरगो मैग्नेटाइजेशन अंडर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. जब आप किसी भी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होते हैं उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी. एंड दिस आई अपॉन एच नथिंग इज इक्वल टू आवर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी. सो यहाँ पे हमें पता है कि दिस आई अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वन, मीन्स दिस इज नेगेटिव. मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है, ठीक है. मीन्स जब नेगेटिव होंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन नहीं होंगे. हमें पता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होते हैं. द ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव बिकॉज आई अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वन. दिस शोज दैट सुपर कंडक्टर इज परफेक्ट डाई मैग्नेटिक. यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सुपर कंडक्टर का भी क्या होगा, द परफेक्ट डाई मैग्नेटिक मटेरियल इज ए परफेक्ट डाई मैग्नेटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करते हैं. और वी कैन से सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डाई मैग्नेटिक, ठीक है. तो इससे हमें ये लगता है कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं सुपर कंडक्टर. नाउ कहां पे, बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे. तो ये है आपका मेजनर इफेक्ट. नेक्स्ट इफेक्ट इज आवर क्रिटिकल टेम्परेचर प्रॉपर्टी ऑफ द सुपर कंडक्टर इज आवर क्रिटिकल टेम्परेचर और वी कैन से ट्रांसक्शन टेम्परेचर विच इज डिनोटेड बाई टी सी. अब देखते हैं ये क्या है. Critical temperature of a superconducting material is the temperature at which material changes from normal conducting state to superconducting state. For example, यहाँ पे हमने mercury के लिए figure बनाया हुआ है, ठीक है. This is for mercury. तो हमें पता है mercury के जो TC है, transaction temperature is 4 Kelvin. अब ये क्या होगा, यहाँ पे दो region बनेंगे. ये जो mercury का 4 Kelvin है, इसके above और इसके below. इसके अबाउ जब आपका टेम्परेचर जाएंगे तो ये आपका नॉर्मल स्टेट होगा, ठीक है. नॉर्मल स्टेट नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन जब टेम्परेचर को आप 4 केल्विन के बिलो लाएंगे तो ये क्या होगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है. तो ये जो टेम्परेचर है विच इज 4 केल्विन फॉर मर्करी, दिस टेम्परेचर अबाउ विच द मटेरियल बिहेव्स एज नॉर्मल मेटल और द नॉर्मल मटेरियल एग्जिस्ट इन नॉर्मल स्टेट. However, below this temperature, the material will exhibit superconducting state. Yeah, material will act as superconducting state. This temperature is known as critical temperature or transaction temperature. और ये temperature superconducting materials का बहुत important property रहता है, ठीक है. This transition from normal conducting phase to superconducting is sudden. ये एक तो sudden होगा क्योंकि जैसे ही इस temperature पे आ जाएंगे तो ये क्या होगा, abruptly this will become zero. Resistance in this case will become zero. Normal metal में ये क्या होगा, इस तरह इसमें कुछ resistance एक zero Kelvin पे भी exist करता है. The transition of mercury from conducting state to is shown in figure. ये है 4 Kelvin, जो TC is equal to 4 Kelvin is for mercury. This is the transaction temperature of mercury. तो ये जो critical temperature और transaction temperature is another important property of superconducting material. ये जो temperature है ये बहुत important factor play करता है इसकी properties में. Then our next important fourth is critical magnetic field. जिस तरह हमारा critical temperature होता है उस तरह हमारा एक critical magnetic field भी है. ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है, देखो. द सुपर कंडक्टिंग स्टेट ऑफ ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल ब्रेक्स व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एदर एक्सटर्नल और प्रोड्यूस्ड बाय द करंट फ्लोइंग सुपर कंडक्टर इटसेल्फ इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन. यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरह जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, हमने देखा था इस तरह एक ग्राफ बन रहे थे, तो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के बाद टैब वन में ये सडन क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, ठीक है. तो यहाँ पे भी H क्या है, H पे डिपेंड करता है आपका मैग्नेटाइजेशन. तो सुपर ये जो फेस है ये हमारा सुपर कंडक्टिंग फेस है. देखो यहाँ पे हमने बनाया है जीरो टू टेम्परेचर इस साइड बढ़ रहा है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है दैट इज योर TC और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड.
इन दोनों के बीच में आपका क्या करेगा, मेटल जो है मैग्नेटिक फील्ड्स को, ये तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यूजुअली आपका ये जो फेस है सुपर कंडक्टिंग फेस है, ठीक है, इसके बियॉन्ड आपका नॉर्मल फेस में आ जाएगा ना, नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, तो आपकी मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में भी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तक ही सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं, और उस पर्टिकुलर फील्ड के एबो, जिसे हम एच नॉट कहते हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, इसके एबो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो नॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं। दिस सर्टेन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बियॉन्ड विच सुपर कंडक्टर रिटर्न टू ऑर्डिनरी स्टेट और नॉर्मल स्टेट, इस कॉल इट क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बियॉन्ड आगे जहां पे आपका जो मटेरियल है फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हाउएवर दिस वैल्यू ऑफ दिस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये कितना टेम्परेचर पे आप लगा मैग्नेटिक फील्ड में सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करेंगे। एज द टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, जैसे ही आप क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आएंगे यहाँ पे मैग्नेटिक जो है फील्ड इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट भी ज्यादा होंगे। द वेरिएशन इन क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड विद टेम्परेचर इज शोन इन दिस फिगर, दिस इज द बिहेवियर। देखो यहाँ से जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे आता है, यहाँ आपका पूरा क्या है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, जीरो से क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड तक क्या है, ये पूरा एरिया आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। जो ही आप टेम्परेचर को इससे आगे ले जाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड को इससे आगे ले जाएंगे, योर मटेरियल विल रिटर्न टू देयर नॉर्मल स्टेट, वो आप सुपर कंडक्टिंग स्टेट में नहीं रहेंगे, वापस वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके आगे बियॉन्ड आपका मेटल्स फिर से नॉर्मल स्टेट में चला जाता है, इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो बिलो दिस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड द मटेरियल विल एक्ट ए सुपर कंडक्टर, एंड बियॉन्ड दिस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड द मेट जो मटेरियल है विल एक्ट एज नॉर्मल मेटल और रिटर्न टू दियर नॉर्मल स्टेट। तो ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज योर परसिस्टेंस करंट। अब ये जो परसिस्टेंट करंट क्या होता है सुपर कंडक्टिंग में, फॉर एग्जांपल इफ ए रिंग मेड ऑफ सुपर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एबो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। हम एक सुपर कंडक्टर को लाते हैं जो कि हमने रिंग फॉर्म में रखा गया है और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में लगा देंगे, लेकिन जो क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, टी इज ग्रेटर देन टी सी। नाउ क्या करेंगे, नाउ कूल द रिंग, अब इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे और टेम्परेचर को क्या लाएंगे, टी लेस देन टी सी, टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लाएंगे। अब मींस क्या है, आपका ये जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करना स्टार्ट करेंगे बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ इफ वी रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड, अब यहां से पहले हमने क्या लगाया था, मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, नाउ लेट्स रिमूव दिस मैग्नेटिक फील्ड, देन अ करंट इज इंड्यूस इन द, ये जो मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस रिमूव करने के बाद भी यहाँ पे एक क्या होगा, करंट इसमें इंड्यूस होंगे, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होंगे इस रिंग में सुपर कंडक्टर। तो हम कहते हैं जो लेंस लॉ जो है वो कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजिट चेंज इन द फ्लक्स पासिंग थ्रू देयर, और ये जो करंट इसमें घूम रहा है वो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स मीन मैग्नेटिक जो फील्ड का इफेक्ट है जो कि इस रिंग से क्रॉस कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, अपोज करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, एज द रिंग इज इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, क्योंकि हमने टी को लेस देन टी सी पे लाया है, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है, रेजिस्टेंस जीरो होगा, देन द करंट इंड्यूस्ड इन द रिंग विल बी कंटिन्यू टू फ्लो, दिस करंट इज कॉल्ड परसिस्टेंट करंट। तो क्योंकि हमने ये इसको सुपर कंडक्टिंग स्टेट में लाया है, इसमें रेजिस्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस जब जीरो होंगे तो थोड़ा भी अगर करंट है तो ये इसमें कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, और इसी करंट को हम कहते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मीन्स कंटिन्यूली, दिस परसिस्टेंस करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स विच मेक्स द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग कॉन्स्टेंट। ये जो करंट इसमें घूमते हैं, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी जब भी करंट मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे ये जो करंट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और करंट भी कांस्टेंट रहता है, और इस करंट को हम कहते हैं परसिस्टेंट करंट, विच इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट
प्रॉपर्टी इज जोसेफसन्स करंट। अब जोसेफसन्स करंट क्या है, जब आप दो सुपरकंडक्टर को, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सुपरकंडक्टर है और ये दूसरा सुपरकंडक्टर है, इन दोनों के बीच में हम क्या रखते हैं, एक थिन फिल्म रखते हैं इंसुलेटर का, ठीक है। ये क्या है, हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, ठीक है। या हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम कोट करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल से, तो क्या होगा, विच फॉर्म्स ए लो रेजिस्टेंस जंक्शन। अब इन दोनों के बीच में आपका एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो ये क्या करेंगे, इट एक्ट एज ए जंक्शन, रेजिस्टेंस जंक्शन, ये करंट को फ्लो होने से या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकिंग, तो ये आपका एक जंक्शन बन जाएंगे। लेकिन इट इज फॉर्म्ड दैट द कॉपर पेयर्स फॉर्मेड बाय फोनॉन इंट्रैक्शन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की इंट्रैक्शन की वजह से फोनॉन बन जाते हैं, विच इज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन से कैन टनल फ्रॉम वन साइड ऑफ द जंक्शन टू अनदर, यहाँ से फिर भी इस इंसुलेटिंग मटेरियल्स को क्रॉस करके एक साइड से दूसरे साइड, दूसरे साइड से उस साइड में क्या हो जाता है, पैर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होंगे, इस करंट को हम कहते हैं कॉपर पेयर्स की वजह से, इसको हम कहते हैं जोसेफसन करंट, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को अगर एक इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू इसको सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉपर पेयर के, जो कॉपर पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इस इंसुलेटिंग मटेरियल को क्रॉस करके मूवमेंट करते हैं, तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा, लो होगा करंट के। तो इस करंट को ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इन दिस दिस सेट अप, दिस करंट इज नोन एज जोसेफसन करंट, इस करंट को हम जोसेफसन करंट कहते हैं, ठीक है। And our next is in the last important property of in superconducting material is critical current. क्या होता है, when a current is passed through a conductor under superconducting state, a magnetic field is developed. ये अगर आपका कोई सुपर कंडक्टिंग है मटेरियल, तो अगर इससे आप क्या करेंगे, करंट क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो जब करंट क्रॉस होगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होंगे, ठीक है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होंगे, इफ द करंट इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू, लेकिन जब आप इस करंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कुछ वैल्यूज के ऊपर, द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज अप टू ए क्रिटिकल वैल्यू। जैसे ही आप यहाँ से करंट इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होगा और बियॉन्ड वो क्या हो जाएंगे, आपकी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चले जाएंगे, सो योर मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज बियॉन्ड इट्स एचसी, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बियॉन्ड चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और भी इंक्रीज होगा, और भी इंक्रीज होकर ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बियॉन्ड चले जाएंगे, तो क्या होगा, आपका मेटल जो है या मटेरियल जो है नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएंगे, नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, और उस वैल्यू को, उस करंट की वैल्यू को, दैट वैल्यू ऑफ द करंट इज नोन एज क्रिटिकल करंट। इन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, जहां पे क्या होता है, आप मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, वो चला जाता है बियॉन्ड, आपके क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चले जाते हैं। और हमें पता है कि जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बियॉन्ड चला जाता है, आपका मेटल वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में नहीं रहता है, और इस करंट को हम कहते हैं क्रिटिकल करंट। क्या कहते हैं, क्रिटिकल करंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें, तो हमने डिस्कस किया सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, देन आवर मेसनर इफेक्ट, देन आवर क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर, देन आवर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, देन परसिस्टेंट करंट, देन जोसेफसन करंट, एंड फाइनली द लास्ट प्रॉपर्टी इज आवर क्रिटिकल करंट, ठीक है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।